ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के कार्य से प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच करेगा प्रदर्शन। दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत उतई अंडा और बोरसी के बीच सड़क चौड़ीकरण का कार्य जारी है, जिसके दायरे में गांव के आबादी क्षेत्र भी आ रहे हैं, जिनका सर्वे किए बगैर उन्हें अवैध कब्जाधारी बताकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे आक्रोशित स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ता शुक्रवार को उतई से प्रभावित को मुआवजे की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जिसकी जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य में प्रभावित के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क निर्माता एजेंसी के द्वारा किए जा रहे मनमानी को लेकर शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाएगा, ताकि प्रभावितों को उनका उचित हक मिल सके। इस संबंध में मीडिया के समक्ष शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोक निर्माण विभाग द्वारा उतई, रिसामा और बोरसी हनुदा के बीच में अनेक सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके दायरे में किसानों की लगानी खेती की भूमि और प्रचलित आबादी में कब्जाधारी जो हैं, उन ग्रामीणों का जो ढांचा है, मकान है, उस दायरे में आ रहा है। लोक निर्माण विभाग ने प्रचलित आबादी के इन कब्जाधारियों को अतिक्रमणकारी बता करके अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है, जबकि कानून के अनुसार प्रचलित आबादी के क्षेत्र में जो कब्जाधारी ग्रामीण हैं, निवासी हैं, वह कानूनन उस कब्जे वाली जमीन के भूस्वामी होते हैं और उन्हें उसी प्रकार मुआवजा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार और छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन नीति के अनुसार जिस प्रकार लगानी जमीन के किसानों को अधिकार प्राप्त है। PWD ने बिना मुआवजा दिए जो तोड़फोड़ किया है, आधा दर्जन गाँव के सैकड़ों किसान कम्युनिस्ट के दायरे में हैं। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने इन प्रभावित ग्रामीणों और किसानों को न्याय दिलाने का, मुआवजा दिलाने का एक अभियान चलाया हुआ है। हमने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की ओर से पिछले दिनों अंडा में एक प्रदर्शन किया था, SDO को आवेदन लगाया गया है, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगभग 1 महीने का समय हो रहा है। अब हम कल 11 तारीख को सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लगानी जमीन वाले और प्रचलित आबादी के पट्टा के जो कब्जाधारी ग्रामीण हैं, उन्हें मुआवजा की मांग को लेकर के कल 11 फरवरी को उतई में हम दोबारा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और यह आंदोलन तब तक हम जारी रखेंगे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की ओर से, जब तक सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित प्रचलित आबादी के कब्जाधारी और लगानी जमीन वाले किसानों को 4 गुना के दर से मुआवजा शासन नहीं देती थी, ही हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।